जय श्री राम। फार्मर्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है, बहुत ही बुरी खबर। एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया। वो लड़की बंगाल से किसानों की हेल्प करने के लिए उनके प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए आई थी, और वहां पे उसके साथ बलात्कार किया जाता है। बलात्कार होने के बाद वह लड़की कोरोना पीड़ित हो जाती है। कोरोना पीड़ित होने के कारण उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जा रहा है कि वो जो लड़की थी उसने ये सारा मामला अपने पिताजी को बता दिया था, और उनके पिताजी के शिकायत पे कई लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया, और इसमें आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल है। टोटल 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो तथाकथित किसानों के लीडर है योगेंद्र यादव, उनको ये सारी चीजें पहले से मालूम थी, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे? क्या आप उस घटना को छिपाना चाहते थे, लोगों के सामने आने से रोकना चाहते थे? और इस केस में जो अनूप का नाम आ रहा है वो ज्यादातर धरनों में सामने रहता था। उसका जो कनेक्शन है वो अरविंद केजरीवाल से है, बहुत क्लोज कनेक्शन है। अरविंद केजरीवाल इनके बोलने पे आ जाया करते थे, इतना ज्यादा गहरा कनेक्शन है इनका। मेरे पास ये FIR की कॉपी है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, और इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे धाराएं लगाए गए हैं। प्रोटेस्ट करिए, अच्छी बात है, आप अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम भी किसानों का समर्थन करते हैं, मैं अभी भी किसानों का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन किसानों के बीच में ये जो कुछ लोग घुस आए हैं, ये सबको बर्बाद कर देंगे। बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, कहीं पे पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कब तक हमारी माँ बहनों के साथ ये सारे काम होते रहेंगे? और उन लोगों पे गुस्सा आता है जो रिप्ड जींस के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। जब रिप्ड जींस की बात आई थी उस टाइम पे तो ये लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड करा रहे थे, खुलेआम आकर बोल रहे थे। अब कहाँ गया, कहाँ गई उनकी फेमिनिज्म? क्या वो लड़की नहीं थी जिसके साथ ये सारे चीज हुआ, या फिर वो आपका एजेंडा सूट नहीं करता है इसलिए आप इसके ऊपर बोल नहीं रहे हो? पता नहीं ऐसे लोगों को रात में नींद कैसे आ जाता है। जितने भी किसान हैं उनके सामने मैं हाथ जोड़ कर बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अपने बीच से निकाल के फेंक दो, वरना आपके ऊपर उंगली उठनी शुरू हो जाएगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अपने बीच में नहीं आने दो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक बार पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर आपके बीच में आ गए ना, उसके बाद आपका ये जो प्रोटेस्ट है वो किसी और रूप में चला जाएगा। और साथ ही साथ मैं अपने सारे किसान भाइयों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप सब अपने घर चले जाओ, अभी कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कोरोना किसी को देखकर नहीं हो रहा है। अपने बच्चों की रक्षा करो, अपनी रक्षा करो। कोरोना खत्म होने के बाद आप आराम से प्रोटेस्ट करना, हम लोग खुद समर्थन करेंगे आपका, मैं खुद आपके समर्थन में रहूंगा। लेकिन प्लीज अभी कोरोना बढ़ रहा है, आप अपने घर जाओ, वहां पे अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने फैमिली को सुरक्षित रखो। अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का, किस चीज के लिए आप प्रोटेस्ट करोगे? तो अपने आप को बचाओ, अपने फैमिली को बचाओ। प्रोटेस्ट आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ये साल अपनी डिमांड को पूरा करने का नहीं है, ये साल अपने आप को जिंदा रखने का है। तो जितने भी किसान भाई, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के ऐसे लोगों को अपने बीच से भगा दो। ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जब इनका काम निकल जाएगा ना, ये आपको छोड़ के वहां से साइड हो जाएंगे। इनका इतिहास आप देख लो, और जिन लोगों ने भी ये घिनौना काम किया है उन सबको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।